ये है OnePlus 12 और 3 महीने इस फोन को यूज करने के बाद आज आपके लिए लेके आए एक लॉन्ग टर्म एक्सटेंसिव यूजर रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में OnePlus 12 के सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चलेंगे और साथ साथ ये भी पता चलेगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं। OnePlus के इस फोन ने OnePlus की लेगेसी का पूरा ध्यान रखा है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये फोन की जो लुक्स है शाइनी है और शाइनी की वजह से काफी अच्छा दिखता है। 10 में से 10 नंबर आप दे सकते हो और ना सिर्फ लुक्स में ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी में भी ये फोन प्रीमियम है क्योंकि इसके अंदर आपको मेटलिक फ्रेम मिलता है जो कि एल्युमिनियम का फ्रेम है जो कि शाइनी तो है, साथ साथ इसके अंदर कर्व ग्लास मिल जाता है जिसकी वजह से इन हैंड फील भी काफी अच्छी फील होती है। इन हैंड फील इसीलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिजाइन इस तरह से रखा है कि इवन जो कैमरा मॉड्यूल है उसको भी थोड़ा पोट्रूड किया है ताकि उसके ग्लास के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए। फिजिकल ओवरव्यू फोन का काफी बढ़िया है, कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको 2 स्पीकर यानी कि स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जो कि OnePlus का बहुत ही पॉपुलर है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको IR सेंसर भी मिलता है। डिस्प्ले के मामले में इस फोन के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड 6.8 इंच का डिस्प्ले है जो कि काफी बढ़िया कलर देता है। इसकी ब्राइटनेस भी बिल्कुल एडुकेट मिलती है, आउटडोर के अंदर इंडोर में बहुत ही कलरफुल दिखता है और साथ ही साथ इस डिस्प्ले के ऊपर मल्टीमीडिया आप देखना चाहते हैं तो आपको मजा आ जाएगा, गेमिंग वगैरह करेंगे तो भी आपको मजा आ जाएगा। कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है OnePlus ने इस फोन के डिस्प्ले पे। ये फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है और साथ ही साथ इसमें एक्वा टच वाला फीचर भी मिल जाता है। कमाल का डिस्प्ले और इस कमाल के डिस्प्ले को आप वेट हाथों के साथ भी यूज कर सकते हो। पीक ब्राइटनेस इस फोन की 1600 nits चली जाती है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है और 2160 की PWM डिमिंग भी है। इस फोन का हैप्टिक फीडबैक मुझे काफी अच्छा लगा है। ये फोन आता है Android 14 प्रीलोडेड जो कि अच्छी बात है और Android 15 बीटा का ऑलरेडी अपडेट अवेलेबल है इस फोन पे। इसी के साथ ये फोन बिल्कुल प्रीमियम लेवल का फ्लैगशिप फोन है OnePlus की तरफ से, तो उन्होंने बोला है 4 साल के Android अपडेट्स हैं यहाँ पे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अपडेट के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है OnePlus ने। UI यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ चलता है और मिनिमल ब्लॉटवेयर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे UI अच्छा है। लेकिन उसमें एक चीज जो कि इसकी शेल्फ होती है जो लेफ्ट स्लाइड करने पे आती है वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। इस फोन में आपको ट्रिनिटी इंजन मिल जाता है जिससे आपका CPU, RAM और ROM सब कुछ ऑप्टिमाइज रहते हैं और आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है और वो खास तौर से तब आपको फील होगा जब आप गेमिंग करेंगे। रेंडरिंग ऑफ ग्राफिक जो है वो भी काफी स्मूथ हो जाते हैं और ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर जो रैम की ऑप्टिमाइजेशन है वो भी अच्छी है क्योंकि यहां पे आपको एक फास्ट स्टोरेज एंड फास्ट रैम मिलती है और दोनों ही मिलके आपको एक बहुत ही बढ़िया मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस दे देते हैं। हैवी गेम भी अगर आप इसमें खेल के बाद में उसको बंद कर देते हैं वो गेम वहीं से शुरू हो जाएगा क्योंकि रैम की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है और गेम्स और एप्लीकेशन उसमें स्टेबल रहते हैं। फोन की सिक्योरिटी भी ऑन पॉइंट है, इसमें आपको डेटा सिक्योरिटी 3.0 मिलता है जो कि आपके डिवाइस को किसी भी तरह के हैकिंग अटेम्प्ट से बचाता है। आईफोन की तरह यहाँ पे भी फ्लोटिंग डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड भी मिलता है जिससे आपका कॉपी पेस्ट काफी आसान हो जाता है, अक्रॉस एप्स आप कर सकते हैं इस फोन के UI पे जो कि काफी यूजफुल है। साथ ही साथ AI इरेजर मोड भी है जिससे आप अपनी फोटो में फालतू के लोगों को और चीजों को डिलीट कर सकते हैं। फ्लैगशिप फोन होने की वजह से यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर आपको मिल जाता है जो कि पावरफुल प्रोसेसर है। इस टाइम पे किसी भी और फ्लैगशिप फोन में भी वही मिलता है और यहाँ पे इसका स्कोर भी काफी अच्छा है N2 का जो कि इंप्रूव हो गया ओवर टाइम। इस फोन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो है इसके कैमरास और यहाँ पे प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ, दूसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का है उसमें भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिल जाती है और तीसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और कैमरा की क्वालिटी तो लाजवाब है। 3x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, 120x तक का डिजिटल जूम ये कर लेता है और यहाँ पे जूम करने के बाद जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं वो इतने बढ़िया हैं कि आपको लगेगा कि DSLR से कैप्चर हुए हैं। इवन हमने इस फोन को प्रॉपर एक वेडिंग पे यूज किया और वहां पे जो फोटोज निकल के आए वो कमाल के थे, आप खुद देखिए। और तीसरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफी अच्छी फोटोज ले लेता है, खासतौर से अगर आपको सब कुछ कैप्चर करना है और उसके कलर्स भी ऑन पॉइंट आ जाते हैं। कैमरा की फोटोज तो इतनी अच्छी आती है कि डे लाइट में आपको कोई भी और डिवाइस कोई कैमरा लेके घूमने की जरूरत नहीं है और ऑन पॉइंट शूट
शूट करके आप फटाफट बढ़िया फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि अगर हम लो लाइट की बात करें तो लो लाइट में अभी भी यहाँ पे काम बाकी है। बिल्कुल सैमसंग और एप्पल लेवल के फोटोज तो नहीं आते लो लाइट में, लेकिन फिर भी ये अच्छा कैप्चर कर लेता है। कुछ सैंपल्स आपके सामने है। रियर कैमरा से 8K रेजोल्यूशन तक का वीडियो आपका बन जाता है, जिसमें डॉल्बी विजन HDR तक सपोर्टेड है, तो वो भी पूरी कैपेबिलिटी है वहां पे रियर कैमरा में, और वीडियो की स्टेबिलिटी भी अच्छी है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और सेल्फी बढ़िया आ जाती है। कुछ फोटो सैंपल्स आपके सामने हैं, आप खुद देख लीजिए। और अच्छी बात यह है कि कोई लिमिटेशन फ्रंट कैमरा पे नहीं है। 4K रेजोल्यूशन का वीडियो आप फ्रंट कैमरा से बना सकते हो 30 FPS पे। 13 5G के बैंड मिल जाते हैं, तो 5G की कनेक्टिविटी सुपर है। नेविक का सपोर्ट भी है यहाँ पे, और साथ साथ वाईफाई 7 का भी सपोर्ट है, जो कि फ्यूचर प्रूफ बनाता है इस डिवाइस को। फिजिकल सिम कार्ड इस फोन में लग जाते हैं, लेकिन ई सिम का सपोर्ट नहीं है। अगर आप रोमिंग पे जाते हैं तो ओ रोमिंग के थ्रू आप वर्चुअल नंबर्स को इस फोन पे यूज कर सकते हैं। 5400 mAh की बैटरी है इस फोन में, जो कि किसी भी और फ्लैगशिप फोन से बड़ी बैटरी वाला फोन इसको बना देता है, और इसी वजह से ये फोन आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप भी दे देता है। 100W का फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर मिलता है, और वायरलेस चार्जिंग 50W की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक हाई एंड फोन से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि गेमिंग इस पे बढ़िया होगी, और यहाँ पे गेमिंग बहुत ही अच्छी निकली है। गेमिंग में कहीं कोई कमी नहीं आती है। हाई रेजोल्यूशन की गेमिंग, हाई फ्रेम्स वाली गेमिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। OnePlus का ये फोन एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, और इसका एक्सपीरियंस भी फ्लैगशिप लेवल का रहता है। फोटोज बहुत ही बढ़िया आ जाती है, परफॉर्मेंस फोन की काफी अच्छी रहती है, फोन की स्टेबिलिटी अच्छी है, फोन की लुक एंड फील प्रीमियम है, इन हैंड फील भी काफी अच्छी रहती है। ओवरऑल ये फोन लिटरली अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल खरा उतरता है। बहुत सारी बातों के अंदर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो अगर आपका बजट है इस फोन को लेने का और आपको एक फ्लैगशिप फोन लेना है सही दाम पे, तो ये वाला फोन मैं आपको रिकमेंड करता हूं। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चन है OnePlus 12 के बारे में। मुझे तो ये अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना।